आज हम डिस्कस करेंगे बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड्स का, ठीक है। बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड्स, बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड्स, बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड्स को डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। व्हाट इज बैक क्रॉस? बैक क्रॉस मतलब सिंपली किसी भी F1 को उसके किसी भी पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराना, ये होता है बैक क्रॉस, ठीक है। यानी F1 है या फिर कह सकते हैं हाइब्रिड है, हाइब्रिड डेवलप करने में जो भी पेरेंट्स यूज हुए हैं उस पेरेंट्स में से किसी भी एक पेरेंट के साथ F1 का क्रॉस करा दीजिए, उस हाइब्रिड का क्रॉस करा दीजिए, इस प्रोसीजर को बोलते हैं बैक क्रॉस। देन वी कैन डिफाइन क्रॉस बिटवीन F1, आर यू कैन से हाइब्रिड with one of its parents, यानी F1 और इसके पेरेंट्स के बीच क्रॉस को क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस, ठीक है। सिंपली आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए P1 और P2 है, एक पेरेंट वन है और एक पेरेंट टू है, इसमें क्रॉस कराएंगे तो हाइब्रिड क्या बनेगा? F1 हाइब्रिड, ठीक है। अगर इस F1 हाइब्रिड का इसके किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा देते हैं, इस प्रोसीजर को बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। यानी F1 का अगर पेरेंट के साथ क्रॉस करा दिए P2, क्या मिलेगा? ये जो प्रोडक्ट होगा, ये जो जनरेशन होगा, ये क्या होगा? BC1 जनरेशन, बैक क्रॉस 1, या फिर कह सकते हैं बैक क्रॉस जनरेशन, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट मिलेगा P1 F1, ये होगा BC1, ठीक है। यानी बैक क्रॉस क्या हो गया? F1 का इसके पेरेंट के साथ क्रॉस, ठीक है। अब ये पेरेंट्स चाहे रिसेसिव हो सकता है या डोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। दोनों पेरेंट्स में से किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराना बैक क्रॉस होता है, ठीक है। देखिए, ये नहीं सिर्फ F1 के साथ ही बैक क्रॉस होगा, इसके बाद इसके सबसिक्वेंट जनरेशन F2, F3, F4, F5, इसमें किसी के भी साथ अगर हम पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। यानी F1 है, F2 है, F3 है, F4, अगर F3 में से किसी भी इंडिविजुअल को लेते हैं और इसका इसके पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो इसको भी बोलते हैं बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस हो गया। बैक क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? बैक क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, ये जो बैक क्रॉस प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन, और इस प्रोसीजर को तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि हम डिजायरेबल जीन को रिस्टोर ना कर लें, ठीक है। बैक क्रॉस का बैक क्रॉस की यूज का एक एम होता है या तो कैरेक्टर ट्रांसफर करना, जीन ट्रांसफर करना, या फिर जीन को रिस्टोर करना, ठीक है। हमको किसी दूसरे पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स में जीन ट्रांसफर करना होता है तो भी बैक क्रॉस करते हैं, या फिर किसी पेरेंट्स का जीन रिस्टोर करना होता है तो भी हम बैक क्रॉस का यूज करते हैं, ठीक है। तो बैक क्रॉस ब्रीडिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड्स कह सकते हैं can be defined as the hybrid and the progeny of the hybrid and the progeny of subsequent generation are repeatedly back crossed to one of its parents। अब इसमें क्या होगा? बैक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसीजर में इसमें हम बैक क्रॉस को रिपीट करेंगे, ठीक है। यानी बैक क्रॉस वाले प्रोसीजर को हम रिपीट करेंगे, इसमें भी हम बैक क्रॉस ही कराएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेरेंट वन हो गया और ये पेरेंट टू हो गया, ये हो गया F1, ठीक है। तो बैक क्रॉस में क्या करेंगे? F1 को किसी पेरेंट के साथ क्रॉस करा देंगे, ये हमारा हो गया BC, बैक क्रॉस, ठीक है। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, ये जो BC का प्रोजेनी आया, ठीक है, यानी इस जनरेशन में से फिर से हम क्या करेंगे? बैक क्रॉस कराएंगे। फिर जो आएगा ये बैक क्रॉस जनरेशन, फिर इसमें क्या करेंगे? P1 से क्रॉस कराएंगे। यानी इस प्रोसीजर को हम बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, बैक क्रॉस को हम रिपीट कर रहे हैं ब्रीडिंग प्रोसीजर में, ठीक है। बैक क्रॉस क्या होता है?
सिंपल एफ वन का इसके पेरेंट के साथ क्रॉस, ये क्या हो गया बैक क्रॉस। और ब्रीडिंग मेथड्स में क्या हो जाएगा, ये बैक क्रॉस के प्रोसीजर को हम रिपीट कर रहे हैं। कब तक रिपीट करेंगे, जब तक कि हम जीन को ट्रांसफर ना कर ले या फिर जीन को रिस्टोर ना कर ले। ठीक है, ये कितने जनरेशन तक होगा इसके पीछे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको भी हम लोग समझेंगे कि कितने जनरेशन तक जीन ट्रांसफर हो जाता है या फिर कितने जनरेशन तक जीन रिस्टोर हो जाता है।